कि हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि सुबह उठते हैं तो हम लोग पूरा घर सफाई करते हैं, गोबर ओबर से लिपते हैं हमारे गांव में, और फिर हम लोग ना पूरा जो घर होता है ना उसमें साइड साइड में ऐसे ऐसे गोबर से बनाते हैं, और मतलब कुछ ड्राइंग टाइप बनाते हैं उसी गोबर से, और फिर हम लोग इनको पूजा करके उनको खिला के फिर हम लोग खाते हैं। तो अभी तो यहाँ ऐसा है नहीं कि मैं पूरे घर में गोबर से कर दूं। ये देखो हमारी आंटी आ चुकी है और मैंने इनके लिए नाश्ता भी निकाल के रख दिया है, और आज मैं अपने गांव वाले नाश्ता आंटी को कराने वाली हूँ। ये देखो आंटी टेस्ट करके बनाओ, बताओ कैसा बना है। वैसे मैंने हमारे यहाँ पे आम से खाते हैं, बट मैं आंटी की चटनी और होप आप लोग अच्छे नहीं। मेरा नाम है रोशनी। तो दोस्तों देख सकते हैं फाइनली तो मैं हूँ किचन में, और मैं काट रही थी सब्जी, मतलब कि सब्जी तो काट चुकी है, और इधर सब्जी मेरी बन रही है। इसमें दाल और लौकी और दाल की सब्जी है बना रही हूँ, और इधर है टिंडे की सब्जी बनी, तो देख सकते हैं ये देखिए। और दोस्तों और हमने आप सभी को बता दूं कि ये देखो सरसों के, हमने सरसों इसमें उगा रखे हैं जो कि इसमें उग गए हैं, देख सकते हैं पत्ते पत्ते भी निकल आए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और इसमें भी है सेम हमने उगाए हैं, और हमने जब मंगवाया तो हमें ना 120 का ये पड़ा, तो इसलिए हमने भी सोचा कि इसमें हम लोग भी ट्राई करते हैं, तो इसलिए हमने इसमें ट्राई किया। तो उगे हैं बट बहुत कम उगे हैं, बट उग गए हैं। तो इनको हम बनाएंगे सैलेड, अभी तो नहीं बना रहे बट एक दो दिन में बनाएंगे, जब हमारी मैम जी कहेंगे कि बेटा हमारे लिए सैलेड बना दो तो हम उनके लिए बनाएंगे। और आप लोगों को मैं दिखा, फेस मेरा कुछ अच्छा नहीं दिख रहा क्योंकि पिंपल्स निकल गए, मैंने आम कुछ ज्यादा ही खा लिए तो ऐसा लग रहा है पिंपल निकल गया मेरे फेस पे। तो दोस्तों चलते हैं फटाफट से काम खत्म कर लेते हैं, और मेरा आटा आटा सब पड़ा हुआ है गूंदने के लिए, और मैंने आटा निकाल के रखा है। किचन मेरा थोड़ा गंदा लग रहा है उसके लिए सॉरी दोस्तों, क्योंकि अभी मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं जब काम करती हूँ ना तो सारा फैला देती हूँ, फिर उसके बाद सारा समेटती हूँ, तो पूरा किचन आप कुछ ऐसा देख सकते हो, पूरा मैंने भर दिया है। ये देखिए पूरा किचन फैला पड़ा है, अभी मैंने बर्तन भी नहीं सही से लगा के रखे हैं, तो दोस्तों देख सकते हो। और मेरी वीडियो फाइनल काफी टाइम के बाद आने वाली है, और मैं खुद ही नहीं समझ पाती हूँ कि यार मेरी वीडियो क्यों नहीं आती, मैं कांटेक्ट मेरा ठीक नहीं होता है या क्या नहीं होता है, मतलब कि काफी ज्यादा हम बिजी हो जाते हैं इसलिए मेरी वीडियो थोड़ा सा स्लो हो जाती है बीच बीच में, उसके लिए सॉरी दोस्तों। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती होंगी दोस्तों। और अभी शाम का टाइम है तो आई मतलब थोड़ा सा धुंधला भी आने लगा होगा, और मेरे यहाँ पे जो खिड़की है ये देखो खिड़की है, ये बहुत छोटी है जो कि लाइट नहीं आती है बिल्कुल भी, और तो इसलिए हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, मतलब बहुत अंधेरा अंधेरा सा लाइट वाइट चला के रखना पड़ता, और वैसे भी मुझे थोड़ा खुला चीजें पसंद है, तो किचन मेरा थोड़ा बंद है तो उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा वो लगता है कि यार कहाँ बंद वाली जगह पे रहे है। तो दोस्तों ये रहा हमारा किचन दोस्तों, और अभी मैं आप सभी को बता देती हूँ कि रोटी बनाने का टाइम हो गया है, तो आटा फटाफट से गूंद लेते, नहीं तो हमारी आंटी जाने मेरे को डांट पड़ने वाली है कैसी फालतू चीजें हो लेके। वैसे तो वो मुझे सपोर्ट करती है, बट फिर भी मैं उनके लिए हमेशा रेडी रहती हूँ कि रोशनी आई एम बैक, मतलब सारी यानी मैं उनके लिए हमेशा लव यू आंटी और आंटी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, तो थैंक यू। और क्या ही बताऊं, चलो तो मैंने ले ली है लोटे में पानी, और हमारा ये आटा है, आप लोग इसको देख के बताओ कितने दिन के लिए आटा होगा, यानी कि ये मेरा एक हफ्ता आटा चलेगा दोस्तों, देख सकते हैं इतना सा आटा एक हफ्ते चलेगा, मतलब हम तीन लोग हैं तो तीन लोग में इतना आटा, बट मुझे लगता है बहुत कम है, फिर भी हम एक हफ्ते चलाते हैं इसको। अरे ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ है नहीं, है पर हम लोग रोटियां ज्यादा नहीं खाते हैं, तो इसलिए तो हम लोग मतलब मैं भी नहीं खाती हूँ, तो इसलिए हमारा आटा एक हफ्ते चलेगा। ये एक एक रोटी हम खाते हैं, इतनी छोटी छोटी पतली पतली खाएंगे तो एक हफ्ते चलता है इतना छोट आटा। अगर मैं यही अपने घर पे रहती अपने गांव में खाती, ये सिर्फ मेरे भाई के लिए होता है एक रोटी, मतलब इसकी दो या तीन रोटी बन जाती, उसके लिए छोटा वाला भाई मेरा बहुत खा लेता है, हम लोगों से भी ज्यादा खा लेता है वो, तो ये उसके लिए एक तीन चार रोटी उसके लिए बन जाती इतने से आटे में।
और यहाँ पे 3 लोगों के लिए इतना सा आटा हम लोग 1 हफ्ते चलाते हैं। सर जो चलाते नहीं है, मतलब जब खाते हैं तो वो ऑब्वियसली कि वो खत्म होता ही नहीं है। तो फटाफट बोल देती हूँ क्योंकि आप लोगों को भी इरिटेट ना हो उनसे, ठीक है। फाइनली तो दोस्तों देख सकते हैं आटा गुन चुका है और इसको मैं रख देती हूँ। ये उसका डिब्बा है चॉकलेट का और हम अभी आटे का डब्बा इसको बना चुके हैं। दोस्तों मैं अभी अपने ये फ्रिज को दिखाती हूँ इसमें क्या क्या है। मेरी फ्रिज जो है बिल्कुल साफ रहती है, थोड़ी सी गंदी होगी उसके लिए थोड़ी। और ऊपर ये देखो सब कुछ रखा हुआ है, यहाँ पे फर्नीचर फर्क के हुए, यहाँ पे चॉकलेट रहती है, यहाँ पे जो खाना बच जाता है उसमें रखते हैं, और ऑलरेडी सारी चीज ऐसे यहाँ पे रखी रहती है। तो दोस्तों ये रहा 300 रुपए किलो धनिया। और अभी मैं इसके यार कैसा धनिया, खुशबू तो आई नहीं रही। हम अपने गांव में धनिया फ्री मांगते हैं। यहाँ पे ये देखो एक पाव है, ये देखो। अरे तो धनिया कम धनवा ज्यादा लग रहा है, ये कैसा धनवा है, अरे सॉरी धनिया कैसा है, ये कैसा, देखो कितने अजीब से इसके पत्ते हैं। खुशबू तो भी इतना महंगा, ना खुशबू आ रही कुछ भी नहीं आ रही इसके, पता नहीं क्या। और ये हम इसको पीस के रख देंगे, बहुत महंगा हो रहा है ना, इससे महंगी चीज को अच्छे से। आप सभी को गुड मॉर्निंग। और अभी मैं देखो नाश्ते में क्या बना रही हूँ, थोड़ा सा जला कर लेती हूँ, अभी मॉर्निंग का टाइम है। तो दोस्तों आज हमारे यहाँ पे मतलब जो यूपी में बिढ़ाई बोली जाती है तो आज वो है, और आज मैंने भी नाश्ते में वही बनाया है क्योंकि मैंने काफी टाइम से बनाया नहीं था और मुझे लग रहा था कि मम्मी लोग ये सब बनाती है तो मैं भी बनाऊ, मेरा भी मन कर रहा था वैसा वाला खाना खाने के लिए गाँव वाला। तो आज मैंने देखो यहाँ पे बनाई है और यहाँ पे मैंने भी बना के रख लिया है अपने लिए, एक मेरे लिए और एक हमारी आंटी जी है उनके लिए। मैं अपना यूपी का नाश्ता कर रहा हूँ। और आप सब अगर यूपी से हैं तो आप सभी को पता ही होगा इसको क्या बोलते हैं, मतलब हमारे यहाँ तो या कचौड़ी या तो बिढ़ाई बोली जाती है। और इसको आम के साथ खाया जाता है, बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। और दोस्तों और मैं वही बना रही थी और मेरा तो वही नाश्ता वास्ता हो गया और मैं सुबह नहा ही नहीं हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पानी आ नहीं रहा है, तो किचन भी ऐसे फैला पड़ा है, तो अभी समेटेंगे पानी नहीं आ जाएगा। पता नहीं 2-3 दिन से ऐसा क्या हो गया है कि मतलब हमारे पानी मतलब मोटर जो है वो बार बार खराब हो जा रही है। और दोस्तों हमने भी ज्यादा दोपहर में हैवी खाना नहीं बनाएंगे, मतलब खाली हमने सोचा कि खिचड़ी उचड़ी बना लेंगे क्योंकि पानी बहुत कम। और ये देखो मैंने एक बाल्टी पानी भर के रख लिया है, सॉरी दिखने के लिए, देखो यहाँ पे रखी हुई है क्योंकि इतना ही पानी बचा, इसमें ही मुझे पूरा काम करना है। मतलब वैसे तो बर्तन तक नहीं धुले जा सकते बट फिर भी हम इसको सेव करके रखेंगे ताकि पानी हमें वेस्ट ना करें। और दोस्तों सभी को मैं बता दूं और मेरे पूरे 500 मेरे सब्सक्राइब हो गए, थैंक यू सो मच। और आप सभी को और मैं आप सभी को बता दूं कि आज जैसे देख मैं बता रही हूँ कि आज बिढ़ाई है तो मैं भी बनाई हूँ, बट मैंने जो बनाई है बिढ़ाई मुझे ना मम्मी वाला घर का टेस्ट नहीं आ रहा है। मैं गांव का जो भी खाना बनाती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे हाथों में वो टेस्ट नहीं जो मम्मी लोगों के होता है, तो वो मुझे नहीं आ रहा। मैंने खा के तो देखा बट बना है अच्छा, बट फिर भी वो टेस्ट नहीं आ रहा जो मम्मी लोग बनाते हैं। और वैसे तो मुझे हर चीज मतलब साउथ इंडियन इंडियन चाइनीज सारे नाश्ते आते हैं बनाना, मतलब खाना आता है बनाना, बट मुझे गाँव वाला नहीं आ रहा, मम्मी वाला हाथ का सीन नहीं आ रहा, मतलब उनका खाने का जो है टेस्ट होता है वो नहीं आ रहा है। तो इसको मैं अभी सभी को दिखाऊंगी कि हम लोग खा रहे हैं और आंटी भी आ जाए। तो दोस्तों ये मैंने बेल लिया है, ये है मेरी आ गई है पराठा, ये देखो थोड़ा सा सब तेज कर देती हूँ गैस को नहीं तो बहुत टाइम लग जाए। तो फिर दोस्तों हमारा ये बहुत बड़ी बड़ी है तो इसलिए मैं एक ही लूंगी। तो ये देखो इसमें घी भी है काफी सारा, देखो नाश्ता दिख रहा है ना। और मेरा नाश्ता ये बन चुका है, मैंने थोड़ा सा चटपटा बनाया है तो इसको बहुत टेस्टी लगने वाला है, मैं खाने वाला। हमारे यहाँ पे इसको ना बहुत धूमधाम से बनाते हैं, मतलब कि इसको आम के साथ खाया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को कि हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि सुबह उठते हैं तो हम लोग पूरा घर सफाई करते हैं, गोबर ओबर से लीपते हैं हमारे गांव में,
और फिर हम लोग ना पूरा जो घर होता है ना उसमें साइड साइड में ऐसे ऐसे गोबर से बनाते हैं और मतलब कुछ ड्राइंग टाइप बनाते हैं उसी गोबर से, और फिर हम लोग इनको पूजा करके उनको खिला के फिर हम लोग खाते हैं। तो अभी तो यहाँ ऐसा है नहीं कि मैं पूरे घर में गोबर से कर दूं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे गोबर से पूरा घर में राउंड राउंड कर दूं, बट मैं बना के मम्मी के ताकि मेरे को थोड़ा याद रहे कि हाँ हमारे यहाँ पे भी होता है, मैं भूल लूंगा ताकि यहाँ पे शहर में रह के कि रोशनी भूल गई हो याद रखना। वैसे तो आधे आधे त्योहार मैं भूल ही जाती हूँ कि वहाँ पे हर छोटे मोटे जो बड़े बड़े त्योहार होते हैं वो मैं याद रखती हूँ, बाकी मैं छोटे वाले तो भूल ही जाती थी। इस बार मैंने मम्मी को मतलब मेरे को दो तीन दिन से याद था कि हाँ आज है, नानी के पास फोन किया तो नानी उनसे पूछ बिटिया बढ़ाई खबर, बिटिया को तो पता ही नहीं है। तो वही है दोस्तों, मैं ये मेरी पराठा आप लोगों से बातें करते करते मेरा पराठा भी सिक गया है, सॉरी बढ़ाई कहूंगी पराठा नहीं कहूंगी मैं, नहीं तो अपमान हो जाएगा इसका। तो ये बन चुका है गरम गरम से, ये देखो भाई मेरे मुंह में आ रहा है पानी क्योंकि मेरे से रुका नहीं जा रहा है। तो ये दोस्तों देख सकते हैं लोग, ये रहा हमारी आंटी भी आ चुकी है, अब आ जाइए आंटी जी, आ जाओ नाश्ता आपके लिए बना रही हूँ मैं। आ रही है भैया, उल्टी से भी बनाती हूँ आपने तो देखा होगा, बट अभी मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं बना रही हूँ ना तो वो उनको भी नहीं पता कि मैं फिर से चालू कर दी। ये देखो हमारी आंटी आ चुकी है और मैंने इनके लिए नाश्ता भी निकाल के रख दिया है, और आज मैं अपने गांव वाले नाश्ता आंटी को कराने वाली हूँ और हमारी आंटी टेस्ट करी। वैसे मैंने एक बार बनाया था जो कि आंटी खाई, हेलो बोलो आंटी, हमारी प्यारी आंटी बहुत प्यार करती है ना, पिछले साल भी खवाया आपने मेरे को, खिलाया था हमने पिछले साल ही, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाई थी ना आम के साथ ये, मैंने पिछले मतलब एक दो महीने हो गए आई थिंक, तो मैंने इनको ऐसे बना के मेरा मन कर रहा था कि मैं ऐसे कुछ बना के खिलाऊं आंटी को। तो हमारी आंटी ये देखो आंटी टेस्ट करके बनाओ, बताओ कैसा बना। वैसे मैंने हमारे यहाँ पे आम से खाते हैं बट मैं आंटी की चटनी और बहुत अच्छा तारीफ मत करो मेरी। और ये देखो मैंने भी निकाल के रख लिया अपने लिए और आंटी को भी खिला रही हूँ, हम दोनों अब खा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय टाटा।